ठीक है, यहाँ से हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे। फोर एक्सिस में बताया था कि कोई भी पार्ट का जब कोऑर्डिनेट बनाना है तो सेंटर में ही बनाना है ना, या राउंड पार्ट है तो टर्निंग का भी वैसे ही बनाना है और इंटीग्रेशन मशीन का भी वैसे ही बनाना है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन फेस मिलेंगे। देखो टर्निंग के अंदर हमेशा कोऑर्डिनेट क्या होता है, राइट साइड में बनता है, पार्ट लेफ्ट साइड रहता है ना, तो मजाक इंटीग्रेशन के लिए भी ऐसा ही करना है। और ये देखना है जेड की डायरेक्शन, मेन जेड एक्सिस की डायरेक्शन होता है, मिलिंग में भी मैंने यही बताया था कि मेन जेड एक्सिस की डायरेक्शन देखना है। ठीक है, तो मशीन के हिसाब से जेड एक्सिस का डायरेक्शन सही है, क्लियर है। यहां से ब्लूटूथ का है, टोपी पहना कोई से तो नहीं हो रहे, अभी हो रही क्या, अब नहीं हो रहे होगे। हाँ ठीक है, यहां से देखो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेक्स मशीन जब भी मिल्टन की कोई मशीन लोगे डबल स्पिंडल वाली, तो एक साइड की अगर कोऑर्डिनेट बनाओगे ना तो सेकंड साइड की कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक बन जाती है। ठीक है, हाँ अब यहां से स्टॉक बाउंड्री है वाला जो बाहर की बाउंड्री है, स्टॉक की बाउंड्री है। ठीक है, स्टॉक बाउंड्री तो मटेरियल अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो, इस पे स्टॉक पे जाओ और हम बढ़ा देते हैं दोनों साइड में। ठीक है, जैसे यहां पे आ रहा है राइट साइड के लिए आ रहा है यानी जेड प्लस में, इस साइड के लिए। ठीक है, यहां पे कितना मटेरियल रखना है, मान लो 5 mm मटेरियल रखना है ना, और लेफ्ट साइड के लिए यहां पे जितना है इतना दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे -10 माइनस के साइड में 10 mm दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, इसको चाहो तो कम कर सकते हो, नहीं करना है मत करो। ठीक है, यहाँ पे फिर एक्सटर्नल में रेडियली ये मटेरियल लेता है जो डायमीटर के ऊपर है, मान लो 5 mm देते हो मटेरियल तो 10 mm बढ़ जाएगा ऊपर डायमें। और यहाँ पे आता है इंटरनल डायमीटर, अभी इंटरनल डायमीटर क्या है, 0 है, सॉलिड है तो 0 रख सकते हो, नहीं तो पहले से करके आया तो यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद यहाँ से इसको ओके कर दो। यहाँ से भी ओके कर दो एक बार। अब देखो प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्राम बन सकता है अभी भी, ठीक है, लेकिन जब इसको मशीन सिमुलेशन पे देखोगे ना, तो मशीन सिमुलेशन पे देखने के लिए चलाने के लिए उसमें जॉर्ज वगैरह की सेटिंग जरूरी होती है। ठीक है, तो मशीन सिमुलेशन कैसे देखते हैं, यहाँ पे सेटअप पे जाएंगे और यहाँ से सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट करने के बाद यहाँ पे मशीन सिमुलेशन का ऑप्शन दिखेगा, या ऑपरेशन पे जाके भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल मशीन पे उसी तरह से लोडिंग होगा जिस तरह से फिजिकली पार्ट लोड करते हो ना, वैसा ही यहाँ पे दिखेगा कि पार्ट कैसे लोड हुआ पड़ा है। यह है इसकी मशीन पूरी, मजाक इंटीग्रेक्स। ये तुम्हारे पास भी होगा, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ से मशीन हाउसिंग पूरी ना, यहाँ पे मशीन हाउसिंग है, ये भी हाइट के यहाँ से शो करेंगे तो पूरी मशीन आ जाएगी। ठीक है, हम अभी यहाँ से हाइट कर देते हैं देखने के लिए। यहाँ पे इसकी सारी एक्सिस है, इसे देखो इधर कौन सा है, जेड है। ठीक है, जेड टू कौन सा है, लोअर टेरेट में है, बी एक्सिस ऊपर है। ठीक है, सी वन एक्सिस उधर है, और फिर इधर की और भी है सारी। ठीक है, सारी एक्सिस यहाँ पे है, मतलब है वाई एक्सिस वगैरह जो भी है। ठीक है, यहाँ से करके देख सकते हो। अभी हमारा पार्ट देख रहे हो, पार्ट जो है रॉ मटेरियल ये चक के अंदर घुसा हुआ है ना, इसको सेटिंग करने हम ऐसे ही प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो मशीन सिमुलेशन पे दिखाएगा नहीं सही। मशीन सिमुलेशन की सेटिंग सही करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे
सेटअप पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, यहाँ से मशीन प्रीव्यू देखेंगे। मशीन प्रीव्यू यहाँ पे ऐसे खोल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी हमारी कंपोनेंट की लेंथ है वहां पे हम यहाँ पे प्लस में ऑप्शन दे देंगे, जैसे 100 mm दे दिया, देखो हमारा 100 mm कंपोनेंट बाहर निकल गया, ठीक है। लेकिन ये जॉर्ज देखो यहाँ पे आ रहा है ना, तो जॉर्ज की सेटिंग सही करने के लिए यहाँ से इसको कट करो। यहाँ पे आता है क्लैंपिंग फिक्चर, क्लैंपिंग फिक्चर पे जब जाते हो इसको एडिट करते हो ना, एडिट क्लैंपिंग फिक्चर के अंदर यहाँ पे देखो जॉर्ज हमारा यहाँ पे है, ठीक है। इसकी थिकनेस, थिकनेस मोटाई, जैसे क्लैंपिंग मेथड क्या है, ओडी से पकड़ना है, आईडी से पकड़ना, किस टाइप का जॉर्ज है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चेक की पोजीशन, चेक पोजीशन कौन सी है, क्लैंपिंग डायमीटर कितना ले रहा है, 130 डायमीटर इसका बन रहा है, ठीक है, वहाँ से बता रहे हैं क्लैंप करने के लिए। चेक साइज लाइब्रेरी, यहाँ से लाइब्रेरी से तुम उठा सकते हो चेक वगैरह, तो जॉर्ज है उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है, 10 mm है, 20 mm है, यहाँ से बढ़ा सकते हो, कितने नंबर ऑफ जॉर्ज है यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी सेटिंग तुम्हारी नहीं बैठ रही है अगर, ठीक है, तो खुद का एक जॉब बना सकते हो, समझ गए। खुद का जॉब बनाने के लिए अभी हम क्या करते हैं, हमारा ये रॉ मटेरियल की बाउंड्री है, हमारा जो जॉब होगा यहीं पे बनेगा, है ना। तो हम यहाँ कैड में आते हैं, किसी भी एक प्लेन लेते हैं, फ्रंट प्लेन पे आते हैं, एक जॉब बना लेंगे, केवल स्केच यहाँ पे बनाना है, जैसे यहां तक तुम्हें पकड़ना है तो इसको ऐसे कर लो, डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। इसे डिफाइन करने के बाद यहां से हम इसकी डिस्टेंस दे देंगे कि इस वाले फेस से हमें 10 mm गैप चाहिए, इसकी जो हाइट है मान लो 25 mm है, ठीक है, ये फुल्ली डिफाइन हो गया, ठीक है ना। एग्जिट होते हैं यहाँ से, अब उसके बाद कैम के अंदर आते हैं, सेटअप पे एडिट करते हैं, यहाँ पे आ रहा है, थ्री डॉट पे जाएंगे, ठीक है, नन कर देंगे तो यहाँ पे कोई भी क्लैंपिंग फिक्चर नहीं रहेगा, है ना। थ्री डॉट पे आएंगे, यहाँ पे न्यू पे आते हैं और न्यू क्लैंपिंग फिक्चर के अंदर यहाँ पे है चक के अंदर, यहाँ पे आ रहा है चक यूजर डिफाइन, ठीक है, चक यूजर डिफाइन रहेगा, उसके अंदर हम ये स्केच सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से यस कर देंगे। अब हमें जॉर्ज को कहाँ पे माउंट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आता है फिक्चर माउंटिंग, ठीक है, यहाँ से पिक पे जाएंगे और ए वाला पोजीशन पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, यहाँ से डाटा पीछे वाले, ये इसलिए करिए कि जॉर्ज कितना डिस्टेंस पे माउंट होना है, ठीक है, अपने आप इस फेस पे, हाँ नहीं फेस पे, फेस पे मतलब चक्के के फेस पे ये माउंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेना है पिक से, इधर आके इधर पिक का ऑप्शन है ना यहाँ पे, ओके कर दो, यहाँ से मशीन प्रीव्यू में करके देख सकते हो। अभी देखो यहाँ पे हमने हमारा जीरो है,
फिर भी ये प्रॉपर माउंट हो गया है ना, दिख रहा है। इसकी जॉ की थिकनेस बढ़ा सकते हैं और यहाँ से एडिट करके थ्री डॉट पे जाके एडिट में आते हैं और यहाँ से 10 की जगह हम 25 एम एम 20 एम कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जॉ 3 है तो 3 रहने देते, 4 करोगे तो 4 लग के आएगा वहां पे। देखो ये जॉ हमारे मोटे हो गए, ठीक है। सेकंड साइड की जॉज के लिए इसके अंदर क्या करना होगा, इस साइड भी एक स्केच बनाना होगा इस डाय पे, ठीक है। अगर जो यहाँ से क्लैंपिंग करना है तो, और जब तुम क्या करोगे, जब यहाँ पे है ना बैक स्पंडल, इस पे दबाओ क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेकंड साइड के लिए देखो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा पार्ट। अभी क्या हो रहा है कि सेकंड साइड दूर दिखा रहा है ना, लेकिन एक जॉय बनाएंगे सेकंड साइड भी और उधर भी पोजिशन दिखा देंगे कि हमें यहाँ पे क्लैम्प करना है, ठीक है। जब सेकंड ऑपरेशन कौन सा है, ये एक कोऑर्डिनेट वो उसका है, एक तो बैक स्पंडल का है, एक मैक वन का है। तो हम हमारा जब बैक अभी पार्ट हमारा देखो ना कितना दूर है, हमारा पार्ट जब यहाँ पे शिफ्ट होके आएगा तो पहला कोऑर्डिनेट दूसरा कोऑर्डिनेट इसके फेस पे आ जाएगा। हमारे पार्ट के अंदर दो कोऑर्डिनेट ही तो बने हैं, एक ये रहा एक ये रहा, बताया था ना अभी कि दूसरा कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट अपने आप वो ले लेगा, ठीक है। अब ये पहले कोऑर्डिनेट हमारा बन चुका है, जॉय भी माउंट हो चुका है, अब हमारा काम करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो देखो अभी तक जो हम मिलिंग ऑपरेशन लेते थे तो उसमें केवल मिलिंग का ऑप्शन ऑन होता था, ठीक है, और टर्निंग लेते थे तो केवल टर्निंग का ऑप्शन ही हाईलाइट होगा। लेकिन अभी हमारे पास दोनों टर्न मिल मशीन है हमारे पास, इसलिए सारे ऑप्शन मिलेंगे, मिलिंग का भी और इसमें टर्निंग का भी। तो इसमें से कोई सा भी ऑपरेशन चला सकते हो, जहां जो चीज की जरूरत है वहां पे चला सकते हो, 2D की जरूरत है 2D चला सकते हो, टर्निंग की जरूरत है तो टर्निंग चला सकते हो। टर्निंग में सबसे पहले आता है फेस, है ना, फेस कैसे करना है, तो हम फेस पे जाते हैं। फेस ऑपरेशन लेने के लिए देखो यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट दिखाया गया, ठीक है, किस कोऑर्डिनेट पे काम करना है, हमारे दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ रहा है, किधर काम करना है। तो हमें मेन मैक वन पे काम करना है तो सिलेक्ट करेंगे मैक वन पोजिशन वन, यहाँ से न्यू ज्योमेट्री पे आते हैं, न्यू ज्योमेट्री पे आने के बाद यहाँ पे हम इस वाले पोजीशन पे लाइन पे क्लिक करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, ध्यान रहे अगर जो जिस डायरेक्शन में हमारा एरो दिखा रहा है उसी डायरेक्शन में कटिंग होगा, है ना। अगर जो हम गलती से नीचे से ऊपर सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा टूल नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दिखा रहा है हमारी ज्योमेट्री बनी, लेकिन हमारे जब रॉ मटेरियल कहाँ है यहाँ तक ऊपर है, तो हमारा क्या होगा ऊपर से कटिंग करना होगा और नीचे हमारा सॉलिड है तो बिल्कुल सेंटर तक आना चाहिए। हम यहाँ से अभी ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब हमें पता है कि सॉलिड रॉड है तो हमारा ऊपर से कटिंग होना चाहिए और नीचे सेंटर तक आना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे मॉडिफाई ज्योमेट्री का ऑप्शन मिलेगा। मॉडिफाई ज्योमेट्री पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट एक्सटेंशन एंड ट्रिम, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना ऑटो एक्सटेंड स्टार्ट टू स्टॉक, इसका मतलब यह है कि जहां तक स्टॉक है हमारा वहां से ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा टूल, ठीक है, ये हमेशा टिक रहना चाहिए। और उसके बाद नीचे आता है ऑटो एक्सटेंड एंड टू स्टॉक, अगर इस पर हम टिक कर देंगे तो जहां तक हमारा एंड में स्टॉक मिलेगा वहां तक कटिंग ऑटोमेटिक जुड़ गया ज्योमेट्री यहाँ तक, ठीक है। अगर इसको नहीं करना है तो हम यहाँ से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 5 mm 10 mm ऑफसेट देंगे तो नीचे आएगा, देखो आ रहा है ना ज्योमेट्री, ठीक है। तो हम इसको ना करके हम डायरेक्टली अभी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, इसको टिक कर देंगे और जीरो तक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है एक्स में ज्योमेट्री को ऑफसेट करना है, जेड में ऑफसेट करना है, तो उसके लिए है, ठीक है। अप्लाई टू ऑल चैन करोगे तो सारे चैन पे हो जाएगा, क्लियर है। तो इन दोनों पे राइट टिक करने के बाद यहाँ से हम सिंपली ओके कर देंगे और यहाँ से लेते हैं टूल, टूल पे आते हैं सिलेक्ट टूल, सिलेक्ट टूल पे आने के बाद यहाँ पे क्या लेना है, टर्निंग का प्रोफाइल इंसर्ट लेना है या फिर होल्डर के साथ लेना है, ठीक है, सैंक के साथ। तो अगर जो इंसर्ट लेते हो तो फिर होल्डर लाके फिर बाद में माउंट करना होगा तुम्हें,
अगर यहाँ से सैंक के साथ लेते हो तो क्या होता है, केवल होल्डर हिला के माउंट करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, देखो यहाँ पे मैगजीन बी एक्सिस लिख के आ रहा है और नीचे आ रहा है रोटरी एक्सिस, जिसमें 0 से 9 यानी 9 टूल का स्टेशन है, और ऊपर में दिखा रहा है बी एक्सिस में 51 टूल, ठीक है। तो ये मैगजीन में 51 टूल लोड होगा इस मशीन के लिए। तो हम इस वाले को एक्सटर्नल टर्निंग टूल लेते हैं और ऊपर वाले पे रखेंगे, ठीक है, बी एक्सिस में लगाना है, बी एक्सिस पे रखेंगे। यहाँ पे ये माउंट हो गया, यहाँ पे इंसर्ट का नाम दे देंगे, जैसे DNMG 16 15 0 608, ठीक है। ये डायमेंशन देने के बाद ले लेगा, यहाँ से हम ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करते हैं तो अभी देखो टूल की डायरेक्शन क्या है, 0 डिग्री में आ रहा है ना, तो हमें कटिंग करने के लिए 90 डिग्री की जरूरत है। तो हमें देखना है इसमें से कौन सा हमें एंगल सुटेबल हो रहा है, तो हम इस वाले पे आते हैं। इस कंडीशन में हमें कटिंग करेगा हमारा टूल, ये हो गया बैक स्पिंडल के लिए, ये हो गया फ्रंट स्पिंडल के लिए, ठीक है। इस पे सेलेक्ट कर लिया, टूल ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से पैरामीटर डाल दो, यहाँ कटिंग स्पीड में टर्निंग में से डालना है, तो हम VCM डाल लेते हैं 200 की, ठीक है, रफिंग के लिए, और यह फिनिशिंग के लिए, फिनिशिंग में 250 डाल देते हैं। RPM लॉक कर सकते हैं यहाँ से जितना मर्जी, कितना 1500 तक जा सकते हैं, ठीक है। फीड रफिंग में फीड कितना डालना है, 0.25, फिनिशिंग में फीड हम डाल देंगे 0.1, अगर यही टूल से काम करना है तो, ठीक है ना, अदरवाइज दूसरा टूल लेंगे तो केवल हम रफिंग में डाल सकते हैं। अब लेवल के अंदर हमें यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट 2 mm आता है, मतलब जो भी हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है उससे 2 mm पहले तक हमारा टूल का एंट्री होगा, ठीक है। यहाँ पे आता है फिक्चर क्लियरेंस, अगर जो हमारा जॉज है, तुम्हें लगता है कि ज्योमेट्री हमारा आगे तक बढ़ रहा हो, उससे फिक्चर की सेफ्टी के लिए यहाँ पे दे सकते हो, फिक्चर से 1 mm 2 mm दूर रहे, ठीक है ना, इतना कर सकते हो। यहाँ तक करने के बाद टेक्नोलॉजी आता है, टेक्नोलॉजी में आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, वर्किंग एरिया क्या स्टॉक है या टारगेट ज्योमेट्री टारगेट एक्सटेंड वाई, ठीक है। तो स्टॉक पे हमें काम कर रहा है ना, अभी स्टॉक पे हम रहेंगे। उसके बाद डायरेक्शन जो है वन वे में है या जिगजैग में, जिगजैग में हम करेंगे तो नीचे से भी कटिंग लेगा, ऊपर से भी कटिंग लेगा, जैसे इस डायरेक्शन में, हाँ वन वे में ही लेंगे फेसिंग में। उसके बाद हम फेसिंग में कर क्या रहे हैं, रफिंग कर रहे हैं या फिनिशिंग करना है, दोनों में से जब भी रफिंग करना है पहले रफिंग पे जाएंगे। स्ट्रेटजी के अंदर स्मूथनेस लेंगे या फिर हम स्टेरिस लेंगे, स्टेरिस रखना ज़्यादातर, ठीक है, और डिफरेंट अभी पता चल जाएगा दोनों में करके। यहाँ पे है इक्वल स्टेप ओवर, हर बार कितना स्टेप ओवर चाहिए, ठीक है, 0.5 का स्टेप ओवर डाउन देता हूँ मैं। फाइनल फिनिशिंग के लिए फाइनल स्टेप कितने होने चाहिए, जो यहाँ पे हम ऑन करेंगे तो पूछेगा फिनिशिंग इसी टूल से करना है तो ये फिनिशिंग का स्टेप ओवर कितना होना चाहिए और फिनिशिंग का टूल कितनी बार चलेगा फेस पे, ठीक है, वो यहाँ से कर सकते हो, नहीं करना है तो यहाँ से ऑफ कर दो। फिनिशिंग ऑन करेगा फिनिशिंग इसी टूल से हो जाएगा बस यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है जेड ऑफसेट, अभी फेस पे हम काम कर रहे हैं तो जेड में ही सिंगल एक ही फेस पे केवल जेड में ऑफसेट दे सकते हैं ना, कितना फिनिशिंग अलाउंस छोड़ना है 0.2 0.5 जो भी है। इसके अंदर ओनली क्या मतलब फिनिश नहीं कर रहे तो हमें रफिंग फिनिश दूसरे टूल से करना है तो हम यहाँ पे फिनिशिंग अलाउंस छोड़ देंगे ना, ठीक है। फाइनल स्टेप, हाँ, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे फिनिशिंग में 0.5 छोड़ दिया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे स्टेप और जो है फाइनल स्टेप का मैं कहता हूँ कि 0.1 का स्टेप रहेगा फाइनल वाले, ठीक है, और हम बोलेंगे 5 बार चलेगा तो 0.5 में से 5 बार वो चलेगा ना, तो फिनिशिंग वाले का भी 5 बार वो पाथ बना देगा रफिंग चलने के बाद भी, ठीक है। अगर जो इसको ऑन नहीं करेंगे और इसको ऑन करेंगे तो क्या करेगा, रफिंग चलेगा, उसके बाद फिर जितना भी माल होगा एक ही बार में फिनिशिंग उड़ा देगा, ठीक है। यहाँ पे ऑफसेट देने का है फिनिशिंग अलाउंस के लिए, और इसके अंदर है रिटेक्शन डिस्टेंस, कटिंग करने के बाद जब पीछे हटता है टूल तो कितना हटना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 हम देते हैं। यूज साइकिल करोगे तो जो 72 का साइकिल आता है वो ऑन हो के आएगा, समझ गए, इसको ऑन करते हो तो विथ रैपिड के साथ करना है तो रैपिड के साथ, यहाँ पे मतलब नीचे आने के बाद रैपिड में डिटेक्ट होगा, रैपिड में ऊपर जाएगा, ठीक है, नहीं ऑन करोगे तो फील्ड में जाएगा।
वो करने के बाद यहाँ पे कंपनसेशन ऑन कर सकते हो रफिंग में भी, ठीक है, 41-42 के साथ जो लग के आता है वो यहाँ पे आएगा। ब्रेक यहाँ पे है, ब्रेक मटेरियल कॉर्नर ऑन स्टॉक, जब हमारा ऊपर स्टॉक है ठीक है, उस पर क्या करेगा कि हमारा कुछ यहाँ पे ऑन करेंगे ठीक है, तो यहाँ पे चैम्फर हल्का लग के आएगा, जैसे दिखा रहे हैं यहाँ पे स्टॉक के ऊपर ही चैम्फर लगा दे गए, अच्छा है ना, इसको खैर टर्निंग करना तो इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ तक करने के बाद लिंक को छोड़ते हैं हम अभी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज का, ये हमें फ्रंट फेसिंग करना है या बैक फेसिंग करना है, ठीक है। अगर जो हालांकि जैसे कोऑर्डिनेट पे काम कर रहे हो तो जैसे टूल हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड मिलेगा तुम्हें, इसको छेड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सीधा सेव एंड कैलकुलेट करेंगे टूल पाथ रेडी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सिमुलेट करो और टर्निंग मोमेंट सिमुलेट करने के लिए यहाँ पे हम टर्निंग पे आएंगे, स्पीड स्लो करो इसकी, अभी देखो ये जॉज है हमारा, जॉज हमारा माउंट नहीं हुआ है इसका मतलब से है ना, दोबारा हमने एडिट किया था ना उसमें कुछ गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि हमारा जॉज, हाँ ये जॉज हमें यहाँ पे दिखाना चाहिए। इसके लिए एक सेकंड, अब हम मशीन सिमुलेशन पे जाके देखते हैं वहाँ पे कैसा दिखा रहा है सिमुलेशन। अब यहाँ पे मशीन सिमुलेशन पे आते हैं, एक लिंक और बना देता हूँ है ना, हमारा कंपोनेंट अभी अंदर ही घुसा हुआ है ना, इसको यहाँ से कट करो, पहले हुआ था लेकिन मैंने एडिट किया था ना दोबारा, उसके बाद क्या हुआ कि ये हट गया,